बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दुआ फाउंडेशन का शुक्रिया अदा करूँगा, उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने आज फिर एक अस्पताल में पहले डोनेट किया था मुझे, उसके बाद जो ग्रेवयार्ड हैं हमारे, ग्रेवयार्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए पीपीईज, ग्लासेस और सैनिटाइजर्स, मास्क, ये डोनेट किए हैं। केएमसी लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, एनजीओ काम कर रही हैं, सब व्यक्ति ही काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट अकेली जो है वो फुलफिल नहीं कर सकते सारी चीज़ें, तो एक प्राइवेट सेक्टर से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है केएमसी अस्पतालों को। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं हम उसमें करोना से जो चीज़ें रिलेटेड हैं उससे कोशिश कर रहे हैं हम। हमारी जो अस्पताल हैं उनके जो मशीन हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए, लैब को बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने आएंगी चीज़ें। जो डेडलॉक है कोरोना से रिलेटेड उस पर भी अमल नहीं हुआ, SOPs पे भी अमल नहीं हुआ। दुकानदार से आपने कमिटमेंट तो लिए कि आप बिजनेस इस तरह से करेंगे, SOPs दी गई, उन्होंने अपनी दुकान के अंदर तो SOPs पे अमल किया, मगर आज जो आवाम है, आवाम जिस तरह से उमड़ के आई है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको कैसे मैनेज किया। उसको मैनेज करने के लिए टाइमिंग्स होती है, अगर आप चंद घंटों के लिए खोलोगे तो रश बढ़ेगा, अगर आप घंटे बढ़ाओगे तो रश कम होगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो जब ये सारी चीज़ें नहीं ली जाएंगी और सियासत आ जाएगी उस चीज़ में, तो इसी किस्म के रिजल्ट्स आते हैं। अफसोस से कह रहा हूँ कि टोटल जो भी गवर्नेंस नज़र आ रही है, जो भी प्लानिंग नज़र आ रही है, चाहे वो कोरोना से रिलेटेड हो, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो कराची के दूसरे इशू से रिलेटेड हो, सीवरेज हो, पानी हो, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज हो, जिन लोगों का काम है उनको अगर नहीं करने दिया जाएगा तो ये रिजल्ट्स आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इंटरवीन करती है, वो फिर अपने फैसले सादर करवा करती है और उस पर अमल करवाती है। वही हो रहा है। बड़े लेवल पे राशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है लोगों में, इसी तरह इंशाल्लाह हम अपनी सियासत को भी आगे बढ़ाएंगे जब भी वक्त आएगा। कोशिश कर रहे हैं जितनी भी अथॉरिटी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हैदराबाद में हो, मीरपुर खास में हो, सक्कर में हो या कराची में हो, हम वो फंड्स, वो पैसे अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ जहाँ खामियाँ हैं डिपार्टमेंट्स में उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने है कि जिस तरह से ये थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट बल्दियाती निज़ाम को डिस्करेज किया है इन हुकूमतों ने, इसको मजबूत नहीं होने दिया, आज भी हम बड़ी मुश्किल में काम कर रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ना होने के बराबर, सिर्फ तनख्वाहों के पैसे हम दे सक रहे हैं, अपनी रिकवरी तकरीबन ना होने के बराबर है, क्योंकि सारे रिकवरी के डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हुए हैं। जहाँ तक रिकवरी का मामला है, सारा पैसा सिंध गवर्नमेंट के पास जाता है, हमें तनख्वाह के पैसे दे दिए जाते हैं, कुछ ADB के पैसे देते हैं, एनुअल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है उसके, वो भी अब बंद कर दिए गए हैं, एक ही क्वार्टर मिला है 19-20 का, बाकी 3 क्वार्टर अभी तक नहीं मिले। हमारी सारी स्कीमें मुश्किल में हैं, डिले हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि
आप लोग भी जिस फोरम पे आप एक बड़ी ताकत हो, जिस फोरम पे भी बैठे हैं, आज हम हैं कल कोई और इलेक्ट होके आएगा, जिस फोरम पे भी बैठे हैं, आप इस हुकूमत को मजबूत करने की बातें करें। अगर आप इस पे बात करोगे तो एक प्रेशर बिल्डअप होगा। इस निज़ाम को मजबूत करने के लिए हम सब जब तक एक पेज पे नहीं आएंगे, पूरी दुनिया में यही निज़ाम मजबूत है, वहाँ MNA MPA मजबूत नहीं होता, वहाँ मेयर मजबूत होता है, सारे इख्तियारात मेयर्स के पास होते हैं, यहाँ उल्टा चल रहा है पहिया। तो हमें सबको मिलके जद्दोजहद करनी पड़ेगी। मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, टाइम अच्छा खासा हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।